सत्र के आखिरी दिन विदर्भ को क्या मिला है, इस सत्र 2023 से क्या बदला? ये तो रीति रिवाज है, कितने सालों से अधिवेशन चल रहा है और प्रॉपर यहाँ के अभी मुख्यमंत्री ने कपास और धान तुअर और सोयाबीन का और संतरा का उल्लेख नहीं करना अपने भाषण में, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए। उनके अभी जो अंतिम आठोरा प्रस्ताव में कम से कम उन जो फसल है उसका भी नाम लिया और उसके लिए भी कुछ जाहिर करना जरूरी है। जैसे धान उत्पादक किसानों को 20,000 रुपये पर हेक्टेयर देने की उन्होंने अभी घोषणा की, उसी तरह कपास वाला किसान भी और सोयाबीन वाला और संतरे वाले भी बहुत बुरी तरह से अभी तकलीफ में है। 6,000, 7,000, 5,000 रुपये क्विंटल कपास जा रहे हैं, तो उसकी भी घोषणा होना चाहिए थी। सत्ता में रहकर आप स्पष्ट रूप से जो है अपने मतों को रख रहे हो, जरांगे पाटिल अगर 24 तारीख को मराठा आंदोलन करते हैं तो प्रहार संगठन उनके साथ रहेगी, ऐसा भी आपने? मैं उनके साथ रहूंगा, उनके साथ आंदोलन करूंगा एक कार्यकर्ता बनके। तो ये थे बच्चू गढ़ू हमारे साथ और उन्होंने कहा कि संतरा तुअर जैसे कई फसल की यहाँ पे जो है शीत सत्र के दौरान मुद्दा नहीं चर्चा में आया है और इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।